आज क्या नहीं है, पहले के बार त्योहार क्या थे, आज के बार त्योहार क्या है, पहले का जमींदारा क्या था, आज का जमींदारा क्या है, क्या बताया कवि ने और गाने वाले ने क्या गाया, आइए जी क्या बताया जी? हेरे उच्चा डाला पीपल का के दे, झूल गला करती कि उच्चा डाला पीपल का के दे, झूल गला करती रपावन गज के दामन की कदे, झोल पड़ा करती र भयो झोल पड़ा करती। चला गया वो पिपल भी पता नहीं कहा गया, वो डाला भी मेरा नहीं कित गया, वो झोल भी पता नहीं कहा चली गई, और वो झुलनाई भी पता नहीं कहा चली गई। रही बावन गज के दामन की बात, बावन गज के दामन की कदे झोल पड़ा करती। पहली बात तो ऐसा कोई टेलर नहीं, दर्जी नहीं जो बावन गज का दामन सीम दे, अगर उसने सीम भी दिया तो ऐसा कोई धोती नहीं जो उसको ऊपर प्रेस कर दे, और प्रेस करके वो तैयार भी कर दिया तो इसी कोई भाड़ बेटी नहीं जो बावन गज का दामन पहन ले। क्यों? क्योंकि 52 किलो वजन खुद में नहीं पाओगा। देखियो आजकल इसी भाड़ बेटी है, देखियो कितना क्या बताया जी एक बार के द्वारा, आइए जी। हेरे उच्चा डाला पीपल का कद, झूल गया करती, झूल गया करती रे पावन गज के दामन की कद, झूल पड़ा करती, झूल पड़ा करती, उच्चा डाला पीपल का कद, झूल गया करती, झूल गया करती रे पावन गज के दामन की कद, झूल पड़ा करती। आशीर्वाद दिया करती, क्या बताया? सासरे में घी पूरा की कैला रोटी खाड़ी रे, बसंते पुचड़ाया करती डेर बगैर कपाड़ी रे, हर बसंते पुचड़ाया करती डेर बगैर कपाड़ी रे, राजी नहीं है बेटा जा तू बोल पड़ा करती, लुगाई बोल पड़ा करती रे पावन गज के दामन की कर, झोल पड़ा कर लेके आया करते, नई बहू को घर में लेके आया करते, शादी करके
उसके ज्यादा से ज्यादा दो या तीन दिन तक लाड और चाव या करते थे। उसके बाद में उसके शरीर के ऊपर गढ़ा दर दिया करते कि जा बेटा पानी लिया बहुत हो लिए तेरे लाड चाव, क्योंकि पानी की कमी थी। आजकल सरकार ने घर घर नलके लगवा दिए, पहले शादी होती है तीसरे दिन देखने में मिल जाती कि रामस्वरूप की बहू है कौन सी। आजकल एक एक साल तक पता नहीं चलता रामस्वरूप की बहू कौन सी है। क्या बताया बदलाव में जुआ रख लेता और खेत में चला जाता जी। आज के जमींदार के सफेद कुर्ते पजामे रहेंगे, मल्ले नहीं हो सकते, उनमें सड़वट नहीं भर सकती। क्यों? क्योंकि सारा का सारा काम मशीनों से होने लग गया। अगर लगाना है तो मशीनों से, कटवाना है तो मशीनों से, घर पे गिरवाना है तो मशीनों से। अगर सिस्टम यही रहा तो थोड़े दिन में मशीनों के ही आदमी होंगे और मशीनों के द्वारा उनको भोजन करवाया जाएगा जी। क्या बताया अगले बदलाव में
झोले बढ़ा करके और